करीब इथेनॉल पॉलिसी बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, क्योंकि इथेनॉल में करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव SIBP के पास आया है। कल ही जो आमिर सुभानी जी के नेतृत्व में जो कल बैठक हुई है SIBP की, उसमें कल 14,000 करोड़ से ज़्यादा का बिहार के इतिहास में इतने कम समय में इतना बड़ा निवेश कभी नहीं। कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने केंद्र में कैबिनेट विस्तार हो रहा है इसको लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार में मंत्री हूं, इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस वक्त मैं कहूँगा। साथ ही साथ उन्होंने दिलीप कुमार जिनका निधन आज 7:30 के करीब हुआ है उस पर भी उन्होंने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि जिस तरह से उनका निधन हुआ है तो कहीं ना कहीं अपूर्णीय क्षति है। साथ ही साथ उन्होंने बिहार में जिस तरह से उद्योग की बात है तो उद्योग इथेनॉल की बात उन्होंने कही थी, इथेनॉल पॉलिसी लाने की बात कही थी। उस वक्त जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने एक बात कहा था कि एक तरफ इथेनॉल की डालेंगे, एक तरफ मक्का डालेंगे और दूसरी तरफ से डॉलर निकलेगा, और यही बात शहनवाज हुसैन ने कहा है अभी। और साफ तौर पर उन्होंने यह कहा है कि उस वक्त जब हमने ये बात कहा तो मेरा मजाक उड़ाया गया था और आज जब इथेनॉल पॉलिसी आई है तो कहीं ना कहीं, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब टेक्सटाइल का जो कारोबार है वो भी बिहार में होगा। क्या कुछ कह रहे हैं जो मंत्री हैं उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, सुनिए उनके पूरे। निवेश हुआ है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार पर विश्वास इन्वेस्टर का बढ़ा है, क्योंकि एक बेहतरीन मुख्यमंत्री बिहार के पास है जिनके पास केंद्र और राज्य दोनों का अनुभव है, वो 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा अपने उद्योग मंत्री पर किया है। जो विश्वास के तहत मैं आया नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए यहाँ भेजा गया हूँ, अजब मैं भेजा गया तो मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे क्या जिम्मा मिलेगा, क्या काम मिलेगा। आप लोग भी मेरा विभाग का बजट दिखा रहे थे कि 1285 करोड़ का विभाग है, अब देखिए 34,000 करोड़ से ज़्यादा, इतना तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी, यानी कल्पना से भी ज़्यादा, क्योंकि कोरोना काल में बिहार नंबर वन है। कोरोना काल में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा जगह अब बिहार हुई है। बिहार में कोई हमसे आगे नहीं है, हम हैं सबसे आगे। जो लोग कहते थे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हम पीछे हैं, आज उनकी ज़बान क्यों बंद है? SIBP में जिन लोगों ने अप्लाई किया, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई आश्वासन है। SIBP में लोग अप्लाई करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसके बाद उसको कुछ पैसा लगाते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो करीब इथेनॉल पॉलिसी बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, क्योंकि इथेनॉल में करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव SIBP के पास आया है। कल ही जो आमिर सुभानी जी के नेतृत्व में जो कल बैठक हुई है SIBP की, उसमें कल 14,000 करोड़ से ज़्यादा का बिहार के इतिहास में इतने कम समय में इतना बड़ा निवेश कभी नहीं आया इन हिस्ट्री ऑफ द बिहार। दिस इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट और इसके लिए हम नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेरे पर भरोसा किया। हम जो भी पॉलिसी लेकर उनके पास गए उस पर कैबिनेट की मुहर लगी। इथेनॉल के लिए जो हमने कहा था विधानसभा में, आप लोग मौजूद थे, हमने कहा था इधर से मक्का डालोगे उधर से डॉलर और रुपया यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आए। कितना मजाक उड़ा रहे थे विरोधी दल के लोग, कह रहे थे कि हम भी आलू और सोना राहुल गांधी वाला बोल दिए। ये नहीं बोले, हम सही बोले थे। और आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अभी तो हम इथेनॉल पॉलिसी लाए, उसमें 30,000 करोड़ आया, अगला इरादा जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी का है। देखिए ये ड्राफ्ट, ये बिहार टेक्सटाइल पॉलिसी 2021, इस पर काम शुरू हो गया है, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाएंगे, हम टेक्सटाइल पॉलिसी बनाएंगे,
हम एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे। बिहार आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे शांति प्रिय राज्य है और पूरे इंडिया में सबसे अनुभव वाला मुख्यमंत्री कहीं पे है, जिनको केंद्र राज नवीन पटनायक जी हैं और नीतीश कुमार जी यहाँ पे हैं और बड़े बड़े राज्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ नौजवान मुख्यमंत्री जैसे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम स्वस्थ कंपटीशन कर रहे हैं अन्य राज्यों से। मेरे दिल पर चोट लग जाती है जब कोई कहता है कि बिहार नीचे से है, तो हमने कहा कि ये चुनौती हम ही स्वीकार करते हैं। मेरा अनुभव रहा है, मैं खुद टेक्सटाइल मिनिस्टर रहा हूँ भारत सरकार में, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहा हूँ तो फूड प्रोसेसिंग में इथेनॉल आ गया। टेक्सटाइल में मैं रहा हूँ, मेरा पुराना संबंध है, संपर्क है, और मेरा संबंध जिनसे एक बार हो जाता है निरंतर रहता है। आप लोगों से संबंध है, कितने दिन से चल रहा है कि नहीं? इथेनॉल में 95% तक लोन की व्यवस्था है क्या, ऐसी कोई? हाँ, इथेनॉल में जो मैंने भारत सरकार से बात किया था, मैंने 2 चिट्ठी लिखी निर्मला सीतारमन जी को और पीयूष गोयल जी कि जो केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको जो फैसिलिटी बैंक देता है वो भारत सरकार के तरह बिहार में भी हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर बनाई। 2007 में नीतीश कुमार जी ने खत लिखा था कि अनाज से भी हमको बनाने की इजाज़त दी जाए। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई ये केंद्र के प्रयास में साथ देने के लिए, देश को साथ देने के लिए, तो बिहार से कोई भेदभाव ना हो। जो केंद्र के खिड़की में अप्लाई कर दिया उसको जितना परसेंटेज लोन मिले उतना भारत सरकार की तरह बिहार सरकार में भी जिसने अप्लाई किया उसको भी उतना ही मिलना चाहिए। और सेक्रेटरी भारत सरकार ने ये सुझाव को हमारे स्वीकार किया और उस पर भी काम हो रहा है। तो युवा उद्यमी योजना बहुत सफल हो रही है, जगह जगह लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही कर रहे हैं, जितना है उससे ज़्यादा उसमें आ रहा है। तो बिहार में उद्योग का माहौल है, लोग कहते हैं कि बिहार में अब का बा, तो बिहार में उद्योग के माहौल बा। हाँ, उस पर हम अभी कोई हम फ्लाइट में थे, हम बिहार के मंत्री हैं, तो यहीं का कोई बात पूछिए। हम तो केंद्र में रहे हैं, अभी तो बिहार के मंत्री हैं, तो केंद्र पे जब हो जाएगा तो पता लगेगा। प्रयासों में मत जाइए, शपथ के वक्त ही पता लगेगा। सर, निवेशक आकर्षित होने लगे? देखिए, अगर यहीं पे कर लेना है तो हम वहाँ नहीं बुलाएंगे, तो हम वहाँ पे बैठ के बुलाने वाले थे। आइएगा या यहीं कर दो? यहीं कर दीजिए, ठीक है, जैसा बोलिए आप ही बोलिए, यहीं कर दीजिए, तब सब लोग का डिमांड है। शनवा जी, ऐसा एक बार भी नहीं होता जब भी मंत्रिमंडल का गठन या विस्तार होता है खिच नहीं होता, जेडीयू इस बार भी नंबर बढ़ाने के लिए मांग कर रही है, नेता नहीं मानेंगे, आगे बढ़िए। अरे, इसमें हमको नहीं पता है कुछ, हम बयानबाज नेता भी नहीं हैं, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन जितना बोला जाता उतने बोलते हैं। ये नहीं कि कैमरा मिला तो टपर टपर बोलने लगे, उसके लिए तो जो नेता उतरेगा वही बोलेगा। बिहार के कुछ मंत्रियों को ड्रॉप करने की भी बात आ रही है, ये मैं कैसे जानूंगा, तो प्रधानमंत्री जी जानेंगे। लेकिन अच्छा, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि चुनाव आयोग का मदद आप लोगों ने लिया था बंगाल चुनाव में, ये जो बड़ा आरोप लगा रही है ममता जी, जीतने के बाद भी कह रही हैं कि वो मदद मिली बीजेपी। ममता जी चुनाव जीत गई हैं, सत्ता में रहिए, सेवा कीजिए, मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो इस पर ज़्यादा मत इतराइए, ये पब्लिक है, एक बार मौका दिया है तो जनता की सेवा कीजिए। ये तोलाबाजी, ये मारपीट, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या, जो दल कभी बीजेपी को कमज़ोर समझा है उसका बुरा हशर हुआ है, और ममता जी ने बीजेपी को कमज़ोर समझा था। तो 377 हम गए कि नहीं? कोई चुनाव है जहां हमारी सीटें घटी हैं? बिहार में भी बढ़े, बिहार में भी 74, बंगाल में भी 77। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ने वाली पार्टी है, हमारे जो विरोधी हमें कमज़ोर समझते हैं वो फलदार दरख्त में जब फल लगे होते हैं तो झुका होता है, उसको हमारी कमज़ोरी न समझे ममता जी। बंगाल की जनता ने 3 फल थे उसकी जगह 74 फल और लगा दिए, यानी बिहार में जितने हम 74 जीते
अब बंगाल में हम 3 थे, तो बिहार में जितना जीते उतना बंगाल में 74 और हम जीत गए, तो 77 हो गए। बंगाल बड़ा राज्य है, 42 लोकसभा है, तो वहाँ हमारी सीटें बढ़ी। और जहाँ जहाँ चुनाव होगा, अभी पंचायत के चुनाव में योगी जी के नेतृत्व में अभी देखिए कितना जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बना है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार बनेगी, उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक निवेश का सवाल है, जब जब मैं आता हूँ तो आपके बीच में मैं बताता हूँ। अभी